वालेकुम। वो तीन औरतें जो अपना घर नहीं बसा सकती प्यारे अलैहि वसम का फ़रमान सुन लें औरत एक फ़र्द नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की नुमाइंदगी करती है क्योंकि अल्लाह ने औरत के बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं और उसके ज़िम्मे बहुत सी अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं जहाँ मर्द को अल्लाह ने पाबंद किया है वहीं औरत को भी पाबंद किया है जब औरत की शादी हो जाती है फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों को समझे और अपने और शोहर की ज़िंदगी को जन्नत बनाए मियाँ बीवी अपने रिश्ते की अज़मत को पहचाने हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मजहब अपने फरज़ अपने कल्चर अपने बड़ों की तरबियत छोड़ कर नए और मॉडर्न ज़माने की तरफ़ जा रहे हैं यही वजह है आज हमारे रिश्तों में वो बरकती ख़त्म हो गई वो प्यार वो महबत, वो इज्जत सब ख़त्म हो गया एक वक़्त था जब बीवियां घर से निकलने से पहले शोर से बकायदा इजाज़त लेकर बाहर जाया करती थी मगरब की आजान होती नहीं थी कि ख़वातीन को घर आने की फ़िक्र लग जाती थी औरत का मगरब के बाद बाहर नज़र आना ऐब समझा जाता था बुरा समझा जाता था घर के भी तमाम काम रात दस बजे तक निमट जाया करते थे बच्चे रात नौ बजे और तमाम घर वाले रात ग्यारह बजे तक सुकून से सो जाया करते थे वो दौर ही सुहाना था घरों में बरकतें थी मोहब्बतें थी रिश्तों में बरकत थी प्यार था एक दूसरे का एहसास था मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशगवार थी जिंदगियों में सुकून और तलाक़ का रुझान बहुत कम था हम नए दौर में आ गए जहां आज बीवी इजाज़त तो दूर शोहर को बग़ैर बताए घर से बाहर चली जाती है शोहर घर आता है बच्चे बता रहे होते हैं कि मम्मा फला जगह गई हैं पहले मगरब से पहले घर आती थी अब निकलती ही मगरब के बाद हैं बाज़ार में देखें रात दस बजे तक आपको खावतीन बाहर नजर आएंगी किसी किस्म का कोई नहीं समझा जाता घरों से वो बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं रिश्तों में प्यार मोहब्बत एहसास ख़त्म हो चुका है बच्चे रात देर तक जाग रहे हैं वालदे देर तक जाग रहे हैं मतलब सारी गंगा उल्टी बे रही है और नतीजा यह निकला कि घरों से सुकून बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया हर चौथे घर में तलाक हर तीसरे घर में बेटी मेके में मौजूद हर दूसरे घर में मियाँ बीवी फसाद ये थाने और पुराने दौर में फ़र्क औरत का शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है ये यो, ये यूरोप का कल्चर है पीवी शोहर की इजाजत के बगैर घरों से चली जाए आपका शोहर आपका हाकिम है मजाजी खुदा है उसकी इजाजत के बगैर घर से जाना गुनाह कबीरा है दुनिया के किसी आलम से पूछ लें किसी को ज़रा शक हो तो वह अपने अकायद के देवबंदी बरेलवी अहल हदीस से पूछ लें मैं दावे से कहता हूँ जिससे आपका दिल करे आप पूछें वो कहेगा हराम है हराम है हराम है दोनों जहानों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम से भी साबित कर देता हूँ हजरत इब्ने अब्बास तआला अनु से रिवायत है कि अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मफहम शोहर की बगैर इजाज़त के जब कोई औरत घर से निकलती है तो आसमान के फरिश्ते राहमत के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं जब तक वो वापस घर ना आ जाए अल वल तरहीब जिल्द नंबर तीन सफ़ा नंबर उनतालीस अब माज़ल्ला अलैहि वसल्लम पर किसी को शक हो तो वो खुद को ईमान से फारिग समझे फॉम व बराबर वाले घर में जाना हो शोर से इजाज़त लें फिर अपना कदम घर से बाहर निकालें माँ घर से बाहर जा रही है अल्लाह का हुक्म क्या था परवाह नहीं रसूलुल्लाह वसल्लम का फरमान क्या था परवाह नहीं शोहर को बताना ज़रूरी नहीं शोहर की इजाज़त गवारा नहीं तो उसके सौ फीसद असरात औलाद पर पड़ते हैं मेरी बात याद रखेगा औलाद हमेशा वालदे से सीखती है माँ बगैर इजाज़त घर से जाएगी तो यही काम बेटी भी ससुराल में जाकर करेगी और खामी खामियों को जन्म देती है माँ के अंदर एक खामी होगी तो बेटी में दो खामियाँ होंगी और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जलता और बढ़ता चला जाएगा जैसे कि ऊपर पुराना वक्त और नया वक्त बयान कर चुका हूँ और जब कोई बीवी हमेशा अपने मामलात में शोहर को तरजीह देगी शोहर की इजाज़त को अल्लाह का हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपने शोहर के इतात में अपनी जन्नत मानेगी बा होकर शोहर की इजाज़त लेकर घर से निकलेगी तो जब तक बाहर है अल्लाह की राहमत उस पर बरसती रहेगी अल्लाह फरिश्तों के सामने उस बंदी पर फख्र करते हैं तो यही खूबी फिर उसकी औलाद में पैदा होगी और एक खूबी खूबियों को जन्म देती है नाजरीन अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें शुक्रिया अल्लाह